और हमारे साथ अब एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे और नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और हमारे साथ बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आरके आर्य जी, थोड़ी देर पहले जब हम पिछला एक घंटा हमने बहस करी तो इस चीज को लेकर कि क्या उम्मीदें हैं, क्या हो सकता है, लेकिन ये जो समय रहा है सर, ये क्या सिखा कर गया है और सरकार को अब यहां से क्या सीखना चाहिए? जो गलतियां हम अभी तक करते आ रहे थे आजादी के 70 साल बाद तक, वो गलतियां कौन सी हैं जो जिनमें अब सुधार हो सकता है? क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर शायद हमने कभी उतना ध्यान दिया नहीं, बातें बड़ी बड़ी हुई लेकिन उतना बजट कभी एलोकेट उस चीज के लिए हुआ नहीं। दूसरा, एजुकेशन हमारी बदल गई है, ऑनलाइन हो गई है, तो उस पर अब सरकार किस तरीके से आगे ध्यान दे सकते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल तो बहुत खुलते थे लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच, क्या ये ऑनलाइन उस सिस्टम को बदल सकते हैं या वापस हम उसी ढर्रे पर आ जाएंगे? तो क्या लगता है कि यहां से क्या बदल सकता है देश के लिए? देखिए, इलिट क्लास के जो स्टूडेंट है वो लगभग 20% है जिन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ली है। इस दौरान में न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि एक 9th क्लास का स्टूडेंट सेलफोन को, मोबाइल को अफोर्ड नहीं कर पाया, उसने सुसाइड किया। हाँ। एक लड़की तेलंगाना में 2nd ईयर में LSR कॉलेज की, वो लैपटॉप को अफोर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो ऐसे हार्ड बोर्ड पे ही पढ़ा जा सकता है, इस पे स्क्रीन पे नहीं पढ़ा जा सकता, उसके पास था नहीं। मैं रोकूंगा सर, तस्वीर सामने आ रही है, मैं आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये राष्ट्रपति से मुलाकात हो गई है निर्मला सीतारमण की, वो तस्वीर एक बार दर्शकों को दिखा दें, और ये जो बैठक हुई है वो तस्वीर है। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो डिजिटल डिवाइड अभी भी बना हुआ है क्योंकि डिजिटल में आप देखेंगे कि इंटरनेट के एक्सपेंसेस जो है आपको देने होंगे और हार्डवेयर के भी आपको देने होंगे। कोई भी स्मार्टफोन ठीक ठाक वाला 10,000 से कम नहीं आता और उसके साथ इंटरनेट। तो जो नीचे तबके के लोग हैं, लगभग 80% लोग हैं जो कि इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड हुआ है। तो ये जो स्टूडेंट अटेनमेंट एजुकेशन है वो उस वजह से सफर करता है। हमारे यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि लोग स्क्रीन पे कन्वर्जेंट हो वो पढ़ने के लिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स या यूके की तरह नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी अभी क्लासे जो है वो 0 ईयर में ही डाल दी गई थी, और उसमें कहीं कहीं पे जो स्टूडेंट्स को फायदा नहीं हुआ तो पूरों को 0 ईयर किया हुआ है, जो पर्टिकुलरली रिसर्च के स्टूडेंट्स है, क्योंकि उसमें सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस फिजिकल होते हैं। तो डिजिटल पुश जरूर हो रहा है जिसकी वजह से आपको पेमेंट करना आसान हो रहा है, ई कॉमर्स करना आसान हो, वो अच्छा है, परंतु एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन या बिल्कुल जहां पर डिप्राइवेशन है, जहां पर रिमोट एरिया पर, पहले भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाया जाता था, अब क्या है, नेट के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अच्छी बात है कि जो लोगों को एक्सेसिबिलिटी नहीं है वो कर सकते हैं, परंतु यदि आप ये कहें कि वेंडर का लड़का या किसान का लड़का, उसके पास वो माहौल ही नहीं है, उसके पास वो सिटिंग अरेंजमेंट ही नहीं है जिसकी वजह से वो हो पाए। अगर ये चीजें सरकार चाहे कि हम टैबलेट मोबाइल पहुंचाएं, कुछ इस तरह की योजनाएं आए गरीबों तक इंटरनेट, देखिए यूपी तो बिहार में आपको लगता है ऑनलाइन मोड बिहार में बड़ा सुधार ला सकता है? बिहार में साइकिल वगैरह दी गई और अखिलेश यादव ने लैपटॉप वगैरह दे दिए थे। मुझे नहीं लगता 1-2% से कोई ज्यादा फायदा हुआ हो, क्योंकि उसके जैसे आप गैस सिलेंडर का ले लीजिए कि शुरू में आपने गैस दिलवा दी, सिलेंडर फ्री में दिलवा दिया, उसके बाद कितना भरा जा रहा है, नहीं भरा जा रहा, उसमें फिर रिकरिंग एक्सपेंडिचर में डिफिकल्टीज जरूर आती है। इसी तरह से जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है दैट इज गोइंग अप, बिकॉज कि अभी लोगों को ये पता लग रहा है कि हेल्थ को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, काम करने के लिए हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी है। हाँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि बेड की कैपेसिटी और पीपीई किट और ये सब बड़े हैं। इसके साथ साथ अगर हेल्थ में अगर गवर्नमेंट जो है 25,000 और 50,000 की लिमिट को अगर 1 लाख तक ले जाती है तो डेफिनेटली लोगों को राहत मिलेगी। तो इनकम टैक्स में डिडक्शंस वगैरह, कॉरपोरेट में भी डिडक्शंस देने की जरूरत है, पर्सनल इनकम टैक्स में भी रिबेट देने की जरूरत है, जिसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप बढ़ा सकते हैं। हाँ। परंतु ज्यादातर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी, सुबह 10:15 पर यह बैठक शुरू होनी है जिसमें कि ये बजट रखा जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा मंजूरी के बाद, उसके बाद लोकसभा में ये पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी आप दे रहे थे सर, लेकिन इसी बीच मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी, हर्षवर्धन जी के पास में। हर्षवर्धन जी, मेरे पास एक ग्राफ है जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में पेश किया गया था हेल्थ सेक्टर को लेकर।
आपका ही पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ आपसे आगे है और आप थोड़े पीछे हैं, क्या कारण है? जबकि आपकी सरकार बार बार कहती रही और हमने इस कोरोना काल में सीखा है कि हेल्थ पर खर्च करना कितना जरूरी है हमारे डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। तो कब खर्च होगा सर, कब मध्य प्रदेश आगे जाएगा हेल्थ सेक्टर में? अनेक अच्छा तमाम राज्यों ने हमसे भी सीखी है, मध्य प्रदेश ने तमाम ऐसे काम किए हैं जिसको वर्ल्ड फोरम पर भी सराहा गया है। तो यदि कोई पड़ोसी राज्य अच्छा काम कर रहा है तो हम उससे भी सीखने का प्रयास करेंगे, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। और जैसा कि अभी बड़ा फेयर डिस्कशन हमारे तमाम विद्वान लोग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वित्त के फाइनेंस के जानकार लोग ये घाटे की पूर्ति कैसे कैसे सेहत सुधरे उस पर काम करते हैं। और मेरा ये मानना है कि मोटे तौर पर सरकार ये काम कर रही थी, क्रय शक्ति में इजाफा हो उसी के लिए यह कैश लोगों की पॉकेट में डाला जाता है, चाहे कोरोना काल में महिलाओं के खाते में 500 रुपए डाले गए हो। हेलो, हाँ, जी सर अपनी बात पूरी कीजिए जी। और चाहे किसानों को सम्मान निधि के नाम से पैसा दिया जा रहा है, तमाम लोगों को आपत्ति होती कि 6000 रुपए बहुत मामूली रकम है, इतनी क्यों दी जा रही है? तो मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा हमें जो इनका आभा मंडल है आरोप लगाने वालों का, उससे वायुमंडल से बाहर निकलना होगा। जिस देश में लगभग 1/3 लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वो जो खेतिहर किसान मजदूर है जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा बहुत छोटा सा लैंड एरिया है, उनको 6000 रुपए भी मायने रखते। और सवाल उठाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि सरकार सर, आपको रोकना चाहूंगी। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, संसद भवन पहुंच चुकी है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और उनके हाथ में है देश का बही खाता। कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली है अब से कुछ देर में सपना, और वहां पर हिस्सा लेंगे और वहां से मंजूरी मिलेगी इसको। थोड़ी देर पहले मुख्तार अब्बास नकवी को भी हमने देखा, वो भी अंदर गए हैं। और ये एक बार फिर से वो जो डॉक्यूमेंट है, अब इसे हम टैब भी कह सकते हैं क्योंकि अच्छा, एक चीज बड़ी दिलचस्प उस फोटो सेशन में भी देखने को मिली। इस फोटो सेशन में मुस्कान देखिए आप निर्मला सीतारमन की, ऐसा लग रहा है कि वाकई 100 साल में एक बहुत बड़ा बजट पेश होने जा रहा है, या तो ये टैब के साथ की मुस्कान है। बिल्कुल, अब देखिए क्या बदलाव आते हैं इसमें। डिजिटल भारत हो रहा है, डिजिटल बजट भी हमारा आने वाला है। और जब हम पिछले साल को चर्चा कर रहे थे तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात हो रही थी, मुझे लगता वो तो अब पीछे रह गई है चीज सर, उस पर तो सरकार अब ज्यादा ध्यान नहीं देगी। कोशिश ये थी 2018 में जब पेश किया था बजट, फर्स्ट बजट, तो इन्होंने डेफिनेटली ये कहा था कि 5 ट्रिलियन का होगा 12% की रियल ग्रोथ के साथ, परंतु अब आप रियल ग्रोथ जो है वो लगभग 6% के ऊपर उतनी ही उम्मीद की जा सकती है, वो भी इसलिए क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बिनाइन है और गवर्नमेंट के हाथ खुले हैं क्योंकि मेजोरिटी है दोनों हाउसेस के अंदर, तो कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। और पॉइंट फिर वही आएगा आर्ग्यूमेंट कि ये प्रो कॉरपोरेट ग्रोथ है, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ है, माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ इज मिसिंग बिकॉज द वेज वर्कर्स आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट फूड आर एडिक्वेट एजुकेशन आर एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी, जिसके कारण जो नीचे का तबका है वो पीछे दबता चला जा रहा है। ये हर टाइम पे प्रो कॉर्पोरेट ग्रोथ होगी, रियल ग्रोथ जब तक सरकार का जब तक एमएसएमईज के अंदर सिक्योर्ड ग्रोथ नहीं होगा, सिक्योर्ड उसके अंदर उनको रैंपिंग नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आने वाले दिनों में भी परसिस्ट करेगी। अभी 6.5 करोड़ जो है आपके एमएसएमईज है टोटल, और जिसके अंदर 45 लाख लोगों को ये 25% वर्किंग कैपिटल का फैसिलिटी 3 लाख करोड़ रुपए दिए थे, जो बाकी के हैं 6.25 करोड़ उनको कहिए तो वो कैसे हो सकता है? और जो आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसमें केवल 10 सेक्टर कवर होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर उसमें कवर नहीं होता है क्योंकि इंसेंटिव या बैंक का लोन उन्हीं को दिया जाता है जो रेगुलर सेक्टर के अंदर हो, वो हार्डली हाफ करोड़ है। तो 6 करोड़ जो एमएसएमईज है उसको सपोर्ट कहां से आएगी? उसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा और एनबीएफसी जो पिछले कई सालों से 3 सालों से डाउन चल रहा है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अभी आरबीआई ने कहा है कि उसको रेगुलेट करेंगे हम, और कहीं जगह पे
रेगुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा और कई जगह पर सर, करना एक होगा। हाँ, दिमाग में आई है पॉवर्टी, हाँ उसी पर आऊंगी, फिर मैं रिएक्शन इसी पे लूंगी। पॉवर्टी लाइन खत्म कर दी थी 2014 में सरकार ने, कहा कि पॉवर्टी लाइन नहीं, हम बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स पर आएंगे, हम उस पर अब बात करेंगे। बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स का मतलब रोटी कपड़ा मकान जिसके पास है, हम उसके लिहाज पर, मैं अगर गलत नहीं हूं आके सर, तो इस पर हम बात करेंगे। मैं चाहूंगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आप स्थिति बताइए कि क्या स्थिति है फिलहाल बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स पर, उसके बाद मैं जाऊंगी और प्रवक्ताओं से बात करूंगी। देखिए ऐसा है कि ये दोनों मिनरल स्टेट्स है, एमपी और छत्तीसगढ़, और स्कैटर्ड हैं, इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो हाईवेज वगैरह है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और जो इंटीरियर रोड्स है वो स्टेट और सेंटर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। अब जहां पर इंडस्ट्रीज है जैसे धार है, इंदौर है, जबलपुर है, ये थिक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो काफी मेरे ख्याल से 260 फार्मास्यूटिकल एजेंसीज हैं मध्य प्रदेश में। परंतु जहां पर स्किल को इम्प्रूव करने की जरूरत है, अगर बीजेपी की ये पॉलिसी है, जैसे कमलनाथ ने पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था व्हाइट पेपर, अगर ये रमन गोड़ साहब का भी वही है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल अगर पुश होता है तो ग्रोथ वहां पर इम्प्रूव हो सकती है। परंतु यदि आप ये सोचे कि रॉ मटेरियल निकालकर और एक्सपोर्ट कर दिया जाए और वैल्यू एडिशन ना किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। डेफिनेटली मिनरल्स जो है, बॉक्साइट है, कॉपर है, ये सब मध्य प्रदेश से निकलते हैं। कुछ कहना चाह रहे थे, परंतु छत्तीसगढ़ का जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, इट इज बेटर देन, आप देखिए कि एक दो दो तीन तीन रुपए किलो जो पहले वाले चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी भी इन्होंने रिकॉर्ड परचेज किया है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि वो पार्शियली इंडस्ट्रियलाइज है, ये लार्जली एग्रीकल्चर और मिनरल बेस्ड है। सर कुछ कहना चाह रहे थे। सर एक चीज में इस पर आप बात कीजिएगा, मैं एक सेक्टर में थोड़ा सा एजुकेशन और उसको लेकर सवाल पूछा, मैं कृषि को लेकर भी आपसे जानना चाहूंगा, जिसने हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बचा लिया, उस पर भी अपनी बात रखिएगा। कल जो इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ उसमें एक नई बात जोड़ी है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, ये पहली बार आया है। अब जब मैं पढ़ रहा था बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, यानी जिसे थोड़ी देर पहले आपने कहा जो बुनियादी आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान, वो जो हम बोलते हैं, इसको उन्होंने बेयर यानी न्यूनतम आवश्यकता, अब उसमें फिर जितनी भी हमारी राज्य सरकारें हैं उसको फिर कैटेगराइज किया कि उन 2018 से लेके अब तक उसमें कितना गैप बढ़ा है। अब ताज्जुब करेंगे कि खासतौर से जो हमारे हिंदी प्रदेश हैं वो अभी भी, जिसमें चाहे बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या और कोई हो, वो न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं बीएनएस की, उसमें हम लोग काफी पीछे हैं, अचीव नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये कि एक जमाने में जो हम पर वो लगा था बीमारू राष्ट्रों राज्यों का, वो बीमारू राज्यों का टैग जो है अभी तक हट नहीं पाया है। और इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि खाली बीजेपी गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, ये तो ये मैं शुरू में जैसा कि मैंने कहा पॉलिटिकल इकोनॉमी और आपकी पॉलिटिकल इंटेंशन और पॉलिटिकल विल, कि ये सरकारों में जब तक पैदा नहीं होगी तब तक हम क्वालिटी लाइफ की तो बात छोड़ रहे हैं, अभी हम न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक जमीन तैयार करने की जरूरत है जो कि नहीं कर पा रही है सरकारें। सर आएंगे आपके पास में, थोड़ा रिएक्शन हम चाहेंगे कि जो बाकी बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। ब्रजेश जी आप अपनी बात रखिए। देखिए हेमंत जी, सबसे एलोकेंट जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिन्होंने इस देश के अंदर 2016-17, 17-18 या 18-19 का बजट देखा है, उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकलाप बिल्कुल इस तरह का रहा कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात को सिर मुड़ाते ही उड़े पड़े, जनता को ये दर्द झेलना पड़ा है। अभी मैं इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब देश की वित्त मंत्री जी बजट पेश करें संसद में, तो उन सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो वेयर हाउसिंग है, जो हमारे यहाँ के कोल्ड स्टोरेज है, इसके अलावा जो मछली पालन है, पशुपालन है, और मध्य प्रदेश के अंदर खासतौर से कमलनाथ जी ने गेहूं, धान, कपास, अरहर, सरसों, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, टमाटर, गन्ने पर जो बोनस दिया था, इन सब चीजों को प्राथमिकता देते हुए सरकार को एमएसएमई पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई से और मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से न सिर्फ हमको टैक्स में छूट मिलेगी बल्कि एक सबसे बड़ी बात यह कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगा। और अब सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था की उखड़ चुकी है,
उसको पटरी में लाते हुए सरकार एक ऐसा बैलेंसिंग बजट लाए जो समाज के मिडिल क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए लाभदायी साबित। अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। अनुराग जी बहुत स्वागत है आपका। और क्या ये उम्मीदों भरा बजट होगा या इकोनॉमी को संभालने वाला बजट आज इसे हम कहें, ज्यादा राहत लोगों को नहीं रहेगी इससे? देखिए जिस देश जिस तौर से देश गुजर रहा है तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की चुनौतियां हैं उन सब चुनौतियों में जो एक आर्थिक दौर आया है उस दौर के आधार पर नए बजट का प्रावधान किया जाएगा। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पिछले मिड ऑफ द सेशन बीच में ही आत्मनिर्भर भारत का बड़ा पैकेज 30 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद से लगातार उन सब क्षेत्रों में जो जो जिसकी आवश्यकता है इस इकोनॉमी को पूरा फिर से स्टैंड करने उसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो बजट आने वाला है इसमें उन सब हिस्सों को उन सब क्षेत्रों को टच किया जाएगा और उनको कैसे सबल किया जा सकता है, कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उस पर पूरा फोकस इस बजट का होने वाला है। विशेष रूप से एग्रीकल्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बाकी जो रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्र हैं उसमें सरकार ध्यान देगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, नितिन भंसाली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता। एक रिएक्शन नितिन जी आपका भी, आप अभी जुड़े हमारे साथ डिबेट में। तो नितिन जी, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, कुछ दिन बाद आपको भी अपना बजट लेकर आना है और राज्य सरकारों को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के रेवेन्यू के सोर्स वैसे भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए केंद्र सरकार से और ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो क्या कुछ इस बजट से आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार को और मजबूती मिले राज्य सरकार को? लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दूं, इसमें ये मत कहिएगा नितिन जी कि देखिए ये केंद्र सरकार पर आता है, केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर रही है, क्योंकि बेयर नेसेसिटी इंडेक्स जिसका जिक्र अभी हमारे साथ में जो इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, जो हमारे साथ में जर्नलिस्ट मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी कर रहे थे और छत्तीसगढ़ भी पीछे है। अब आप ये बताइए केंद्र सरकार के साथ समन्वय होकर आप कितना आगे बढ़ेंगे, रोटी कपड़ा मकान में छत्तीसगढ़ भी पीछे है अभी। देखिए सरकार ने शुरू से ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से रोटी कपड़ा मकान के विषय में ही बात की गई है लगातार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आप ये मत कहिएगा कि केंद्र की सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। देखिए भेदभाव तो कर रही है, मैं आपको बता दूंगा, मैं ये बात करता नहीं, लेकिन आपने क्योंकि प्रश्न नहीं ऐसा किया और मुझे रोका तो मुझे बोलना पड़ता है। जीएसटी का जो छत्तीसगढ़ के हिस्से का जो लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है वो उन्होंने रोकी हुई, क्यों रोकी हुई है इसका प्रश्न इस चैनल के माध्यम से करूंगा, वो जल्दी जारी कर दें। और बजट में इस तरीके की भी कोई बात है या कोई ऐसे नियम आए कि भाई जीएसटी का राज्य सरकार का जो अंश होता है उसे समय पर दिया जाए? बजट के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा यदि अभी वर्तमान में आवश्यकता है, जैसा कि पिछले वर्ष 2020 में हम लोगों ने देखा कोरोना ने सारी अर्थव्यवस्था धीमी कर दी और इसको समझ में आया कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पीछे है। तो आयुष्मान योजना जो है इसका लाभ मुझे ऐसा लगता है कि बीबीएल को जो मिल रहा है ये सारे लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिले। इसके अलावा इनकम टैक्स में जो 2.5 लाख रुपए तक की जो छूट है इसको बढ़ाकर 5 लाख किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, भारत कृषि प्रधान देश है, 6,000 रुपए जो कृषि सम्मान कृषक सम्मान निधि दी जा रही है इसे भी बढ़ाकर 18,000 किया जाए तो किसानों की भी स्थिति में काफी सुधार होगा। मनरेगा काफी सक्सेसफुल योजना रही है, भारत में रोजगार देने के नाम से लगभग 17 करोड़ लोगों का जीवन स्तर मनरेगा से सुधरा है। तो इस प्रकार की कोई और योजना भी लॉन्च करके लोगों को। सर आप आयुष्मान योजना का जिक्र कर रहे हैं नितिन जी, आप आयुष्मान योजना का जिक्र कर रहे हैं, आपकी सरकार भी एक योजना लेकर आई जिसमें आपने कहा कि हर एक व्यक्ति तक, प्रत्येक व्यक्ति तक हम सस्ता इलाज मुहैया कराएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 1.7 पर हैं आप, हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पीछे हैं, बिहार से पीछे हैं, तो क्यों पीछे हैं सर? अब इसमें तो केंद्र सरकार का रोल नहीं है, जब आपकी सरकार भी लेकर आ रही है तो इसमें क्यों पीछे है? मान लीजिए आयुष्मान योजना की बात मत कीजिए आप, लेकिन आप अपनी योजना की बात कीजिएगा तो भी तो आप 1.7 पर ही हैं, वो भी बहुत कम है सर। हमारी योजना का जो आपने जिक्र किया उस योजना पर कहीं कोई छोटी मोटी त्रुटियां नहीं होंगी जो कि कोरोना काल में दूर भी की गई है। और जैसा आपने अभी डिबेट में ही आपके अभी एंकर कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से स्वास्थ्य सेवाओं में कई गुना आगे है,
हाँ मैं मानता हूँ 15 वर्षों तक के जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, यहाँ पर आप देखिए कि जो सरकारी अस्पतालों के जो बुरे हाल थे, हमें सरकार बने से 2 ही वर्ष में, एक वर्ष पूरा कोरोना काल में हमारा निकला है, हमने जो वादे किए हैं वो पूरा कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पर आप जो कह रही है कि हम कहीं किसी सर्वे में पीछे है, तो मैं ये वादा करता हूँ सर्वे में अगले बजट में हम पहले नंबर पर भी आएंगे, और हमारी शुरू से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यही हमारी एक कोशिश रही है कि हर हाथ को काम मिले, काम को पूरा काम मिले, सभी का इलाज मुक्त हो और प्रदेश खुशहाल रहे। आप देखिए सबसे ज्यादा धान की खरीदी भी पूरे देश में छत्तीसगढ़ में हुई है, किसान छत्तीसगढ़ का खुश है, 2500 रुपए छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का समर्थन मूल्य दिया गया है। सपना बार बार डिबेट में बहस किसानों को लेकर और किसानों की बात आ रही कि हमने ये किया हमने ये किया। रामशरण जोशी जी, किसानों ने सर इकोनॉमी को बचा लिया हमारे कुछ हद तक, मैं चाहूंगा कि अब किसान जो धरने पर भी बैठे हैं वो भी सुनेंगे बजट, तो वो भी उम्मीद कर रहे होंगे। और ऐसा कुछ है कि ये जो 6000 दिए जा रहे हैं, क्योंकि सर 500 रुपए महीना सरकार कहती है कि गरीबों के लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उसे परिवार के हिसाब से हम बांट दें और दिन के हिसाब से बांट दें तो वो 5-6 रुपए बनते हैं, वो क्या लगता है वो पूरा है? सबसे ये आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसान देख पा रहे हैं, देख पा रहे, कल तक तो ये हालत थी कि वो बॉर्डर्स पर जो किसानों ने धरना दे रखा है वहां पे इंटरनेट ही खत्म कर दिया है ना, तो वो उनके पास आकर मेरे लैपटॉप या टीवी या मोबाइल होगा तो कहां देख पाएंगे? आज जारी किया या रिस्टोर किया मैं नहीं जानता उसके बाद, आज ये कल तक नहीं था। अब सवाल है कि दूर दराज छत्तीसगढ़ की बात है, क्या छत्तीसगढ़ में मैं रहा हूं, काफी देखा है, थे बस्तर और उधर अंबिकापुर से काफी हालत, मैं अभी भी गए पिछली लास्ट मेरी विजिट थी 2018 और 2019 में, ये ठीक है कि सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं इस समय में, लेकिन जो इंटीरियर है और खासतौर से जो ट्राइबल है जो बिल्कुल आदिवासी है वहाँ स्थिति बिल्कुल एक अलग ढंग की है। आएंगे सर, आएंगे आपके पास में। देखिए संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब से थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है और उस बैठक में बजट का ये प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसके बाद आगे अब प्रक्रिया होगी कि 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। बहुत कम समय बचा है, 10:23 इस वक्त समय है, यानी कि कम समय बचा है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बजट के हर पहलू पर चर्चा कर पाएं और हर पहलू से जुड़ी हर एक जानकारी आपसे दे पाएं। जी सर, आप कंप्लीट करें। देखिए जो नेसेसिटी बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है, इसकी जरूरत क्या पड़ी है कि सचिन तेंदुलकर के सुरेश तेंदुलकर से पहले जो पॉवर्टी लाइन को मेजर कर रहे थे, उसके बाद यूपीए ने रंगाराजन कमेटी को नियुक्त किया था, और सबसे पहले ये बात 1977 में हुई थी जब डीटी लकड़ावाला थे, जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को कैलोरी से एडजस्ट किया था कि 2400 कैलोरीज और 2280 कैलोरीज अर्बन और रूरल एरिया की बात थी। उसके बाद ये इनकम लाइन के ऊपर आ गया और 2016 के अंदर ये 1,23,000 से नीचे जिनकी आय थी वो पॉवर्टी लाइन पे थी, परंतु ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स है वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन और हंगर इंडेक्स में सरकार ये जो इंडिया की हालत है वो बहुत ही सब सहारन कंट्री के बराबर है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो पुश है वो इनकम को पुश ना देकर, बिल्कुल इस पर बात करेंगे सर, छोटे से ब्रेक लिया हमें रुकना, और सचिन तेंदुलकर का जिक्र आया अभी, आपने गलती से नाम लिया, आपने गलती से नाम लिया, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि जो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई 36 ऑल आउट के बाद जो 2-1 जीती कुछ उसी तरह की होगी, देखने वाली बात है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, चर्चा लगातार जारी है।